इंदौर थाना हाथोद के ग्राम पालिया में मृतक अरविंद परमार के अंधे कत्ल का खुलासा किया था, जिसमें चार आरोपी गिरफ्तार हुए थे। वह मुख्य आरोपी अर्जुन पिता भागीरथ पवार निवासी बाणगंगा फरार था। फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा 10,000 रुपए की उद्घोषणा जारी की गई थी। पूर्व में गिरफ्तारी आरोपियों से की गई गहन पूछताछ व असूचना संकलन से प्राप्त जानकारी कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अर्जुन पिता भागीरथ पवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी हाथोद बल को सभी संभावित ठिकानों पर दबिश देते हुए निर्देशित किया गया था। मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सुपर कॉरिडोर के पास अपने बिना नंबर की मोटरसाइकिल पैशन प्रो पर दिखा है। सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए हाथोद पुलिस द्वारा सुपर कॉरिडोर पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही आरोपी अर्जुन भागने लगा। पुलिस द्वारा आरोपी को लगातार पीछा करते हुए घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने अपराध कबूल करते हुए बताया कि उसका नाम अर्जुन है तथा उसने ही अरविंद परमार की हत्या की है। 20 अक्टूबर 2019 को थाना हाथोद के ग्राम पालिया में अरविंद परमार का अंधा कत्ल हुआ था, जिसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें जो घटना का मुख्य आरोपी था वो फिलहाल फरार चल रहा था। चार आरोपी उसमें गिरफ्तार हो चुके थे। मुख्य आरोपी अर्जुन पिता भागीरथ पवार को मुखबिर की सूचना पर 1 तारीख को सुपर कॉरिडोर के पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल पैशन प्रो पर दिखने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई। हाथोद के थाना प्रभारी श्री भास्कर द्वारा एडिशनल SP मनीष खत्री और CSP गांधीनगर के मार्गदर्शन में इसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और इसने पूछताछ पर अपराध कबूल किया है। पूरी पूछताछ में ये घटना को कारित करने वाला सबसे प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया है। इसने ये बात स्वीकार की है कि अरविंद परमार की हत्या के लिए अमन पटेल निवासी पालिया, नयन मंडलोई निवासी पालिया और शशिकांत पटेल निवासी पालिया ने पूरा षड्यंत्र रचा था और 20 लाख रुपए की सुपारी इसको देने की बात तय हुई थी, जिसको अंजाम देने के लिए इसने अपने साथ बाणगंगा के ही सोनू उर्फ सिगरेट नाम के सह जो इसका साथी है उसको इसमें सह आरोपी सह अभियुक्त बनाया और साथ में इन दोनों बदमाशों ने घटना दिनांक को इस वारदात को अंजाम दिया। इनको वारदात करने के पूर्व 50,000 रुपये दिए गए थे, जिसमें से 8,000 रुपये फिलहाल अभी इसके पास से बरामद हुए हैं और 5,000 रुपये पूर्व में सोनू के पास से बरामद हुए थे। अन्य के बारे में पूछताछ पर अभी फिलहाल खर्च करना बता रहा है, विस्तृत पूछताछ जारी है। घटना के समय ये जिस मोटरसाइकिल का इसने प्रयोग किया वो पैशन प्रो मोटरसाइकिल, एक चाकू और एक देशी कट्टा भी इसके साथ से बरामद हुआ है। इसमें जो अन्य आरोपी पकड़े गए थे उनको माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड पर बुधवार तक के लिए लिया गया है और इसको भी न्यायालय प्रस्तुत करके आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, चूँकि सनसनीखेज घटनाक्रम था और मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। इसके बारे में इंदौर से बाहर भागने की भी सूचनाएं मिली थी, परंतु ये कुछ किसी योजना के तहत ये वापस किसी अन्य घटना को अंजाम देने की नीयत से वापस शहर में आया, ये जानकारी प्राप्त हुई थी। इसमें जब अन्य आरोपियों से और भी सघन पूछताछ की गई है तो ये बात भी सामने आई है कि वर्ष 2013 में जो फरियादी राजेश पिता कांतिलाल खाती निवासी ग्राम पालिया के ऊपर हमला हुआ था, उस के केस में उसको प्रभावित करने के लिए और आगे इस केस में आरोपी को सजा नहीं हो पाए इसके लिए उसको भी मारने की योजना इस समूह के द्वारा बनाई जा रही थी और बहुत शीघ्र ही या संभवतः उसी घटना को अंजाम देने के लिए वापस शहर में आया था। इसको पुलिस टीम के द्वारा सराहनीय कार्यवाही करते हुए ना सिर्फ आगामी घटना को रोका गया है बल्कि पिछली घटना में जो इसकी भूमिका थी उसको उसके तहत इसकी घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। इसमें RC भास्करे और उप निरीक्षक श्री रमेश चौहान और उनके साथ आरक्षक और प्रधान आरक्षकों की टीम की भूमिका सराहनीय रही है, जिनको उद्घोषित इनाम राशि जिनके प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। हत्या करने के लिए अमन पटेल, नयन मंडलोई व शशिकांत पटेल द्वारा 20 लाख रुपए की सुपारी तय की थी। उसने अपने साथी सोनू उर्फ सिगरेट के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो व एक चाकू व एक देशी कट्टा सुपारी के एडवांस 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए जब्त किए। आरोपियों से पूछताछ में आरोपी अमन द्वारा की गई चाकूबाजी के मजरूर राजेश की हत्या करने का भी कार्य शूटरों को दिया गया था। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों से पूछताछ जारी है। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।